हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल HS भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आपको वृश्चिक राशि का वार्षिक राशि फल बता रहा हूँ फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का। तो दोस्तों पहले मैंने दो वीडियो डाल चुका हूँ मीन राशि का और कुंभ राशि का, वह आप देख लें। आज मैं आपको वृश्चिक राशि का राशि फल बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि का 2020 संपूर्ण कैसा रहेगा, ग्रहण की कैसी स्थिति रहेगी, धन पुत्र सुख समृद्धि नौकरी व्यापार के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं और ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि पर से शनि की दृष्टि हट चुकी है 24 जनवरी से ही, और वृश्चिक राशि के ऊपर सूर्य गुरु और मंगल इन तीनों का बहुत अच्छा शुभ योग है, जिसकी वजह से इनको हर चीज की प्राप्ति होगी, हर सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं आपको महीने बाई महीने बता रहा हूं पंचांग के हिसाब से आपको क्या उपाय करने और कैसा आपका समय रहेगा। जनवरी निकल चुकी है, फरवरी का मैं आपको बता रहा हूं, फरवरी निकलने वाली है। 7 फरवरी से मंगल धनु राशि के संचार से आय के साधनों में वृद्धि एवं शुभ मंगल कार्यों पर धन का खर्च होगा, परंतु मंगल केतु युक्त होने से पारिवारिक समस्याएं एवं आर्थिक उलझने उभरती व समाप्त होती रहेंगी। यानी इसका मंगल मतलब यह है कि धनु राशि में गुरु का संचार हो चुका है और धनु राशि 12वीं स्थान बैठेगा अगर वृश्चिक राशि से गिनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी वजह से आपके धन के योग बनेंगे और आपके ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि है, लेकिन साथ में केतु का प्रभाव भी होने से थोड़ी सी पारिवारिक उलझने जरूर आएंगी। इसलिए आप शिव मंत्र का जो है जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको विशेष जाप करना। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि राहु केतु की जो शांति होती है वह भगवान शिव जी की पूजा से शांत होती है। जितनी आप शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही राहु केतु का प्रभाव खत्म होगा और हनुमान जी की पूजा से शनिदेव का गलत प्रभाव खत्म होता है। मार्च अप्रैल मई तीनों महीने का धन लाभ व पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, परिवार में शुभ मंगल कार्य भी संपन्न होंगे। 22 मार्च से मंगल उच्चस्थ होने से विघ्न बाधाओं के बावजूद व्यवसायिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी, और ये बहुत अच्छी बात है। यानी वृश्चिक राशि का जो स्वामी है, वृश्चिक राशि का जो मालिक है, वही उच्च स्थान में आ जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपके लिए मकान व्यापार नौकरी हर चीज का जो सुख प्राप्त होगा, यानी एक तरह से वृश्चिक राशि इस साल बहुत ही अच्छी है। धन लाभ घरेलू उलझनों के कारण मानसिक तनाव रहेगा, परंतु मंगल उच्चस्थ होने से सारे कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी और आपका जो है मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। 4 मई से मंगल चतुर्थ स्थान में आने से अचानक खर्चों में वृद्धि एवं घरेलू परेशानियों का सामना थोड़ा करना पड़ेगा, घर संबंधित उलझने रहेंगी, दुर्घटना आदि का थोड़ा सा भय रहेगा। यानी मंगल और जून मई और जून के बीच में थोड़ा सा आपको शरीर का बहुत ध्यान रखना है, और वाहन आदि चलाएं तो बड़ी सावधानी से आपको चलाने हैं। 13 जून सूर्य मित्र दृष्टि से व्यवसाय में संघर्ष के बाद आय के स्रोत बढ़ेंगे। 18 से मंगल पंचम होने से स्वास्थ्य संबंधी कष्ट खर्च अधिक रहेगा, सावधानी बरतें और हो सके तो माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप आप जरूर करें। ओम मां लक्ष्मी नमः या मां लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपते धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम श्री मां लक्ष्मी नमः, किसी भी मंत्र का मतलब जो भी मंत्र आप जानते हो किसी भी मंत्र का आप जो जाप कर सकते हैं। पूर्व बाद में स्वास्थ्य में गड़बड़ी, रक्त विकार, नेत्र पीड़ा, परिश्रम उत्साह में कमी, स्वभाव में क्रोध चिड़चिड़ापन, संयम पूर्वक व्यवहार करें। 16 अगस्त से मंगल स्वग्रह दृष्टि रहने से नए उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बनेंगे। यानी मई में थोड़ा सा आपको सही का ध्यान रखना है और क्रोध को काबू करके रखना है, क्योंकि मंगल पंचम भाव में आ जाएगा।
सितंबर अक्टूबर में आपका बहुत अच्छा भाग्य रहेगा, क्योंकि मंगल स्वयं राशि का चलेगा, आपके बहुत सारे शुभ कार्य रहेंगे। श्रावण पाठ का जो श्रावण का महीना आएगा उसमें आप शिव जी की विशेष पूजा करें। सितंबर अक्टूबर नवंबर गुरु का संचार रहने से उलझनों एवं अड़चनों के बावजूद आय के साधन बनेंगे, परंतु शुक्र अष्टमत होने से स्वास्थ्य विकार कार्यों में विघ्न भी पैदा हो सकता है। मास में अचानक धन लाभ होगा और पुत्र के योग बनेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, यानी संतान पुत्र के योग भी आपके बहुत अच्छे हैं। मासरा में बिगड़े कार्यों में धीरे धीरे सुधार होगा, धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, मान प्रतिष्ठा नौकरी में पदोन्नति होगी। 20 नवंबर से गुरु नीच राशि में संयुक्त होने से धन खर्च होगा, यानी नवंबर तक आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन नवंबर से दिसंबर के बीच में गुरु नीच राशि का आ जाएगा, तो इस समय में ये जो समय रहेगा इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों ये मैं आपको पंचांग के हिसाब से बता रहा हूँ, आपने आपसे बना करके कुछ नहीं बता रहा, मेरे यानी मतलब नहीं है कि आपको एक वीडियो ही और उसमें अपना सीधा जोड़ जाड़ के लंबी वीडियो बना दी, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो पंचांग में लिखा हुआ है और उसी हिसाब से आपको उपाय बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का भाग्य, मतलब वृश्चिक राशि का बहुत ही अच्छा भाग है, बहुत ही अच्छी किस्मत है, लेकिन जो उपाय मैंने बताए उनको आप जरूर करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर जरूर करें।